तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा बोर्नियो सिमेटिक का आगे का टॉपिक है। बोर्नियो सिमेटिक का हमारा आगे का टॉपिक है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हम लोग स्मार्ट बोर्ड व्यू, स्मार्ट बोर्ड व्यू के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्मार्ट व्यू के बारे में होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि स्मार्ट व्यू को हम लोग कैसे देखते हैं, या स्मार्ट व्यू से आने वाली प्रॉब्लम को हम लोग क्या क्या ठीक कर सकते हैं, या हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन से अगर हार्डवेयर से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रैक मिसिंग हो जाता है, कोई लाइन खराब हो जाती है, कोई सप्लाई खराब हो जाती है, तो हम लोग स्मार्ट व्यू के माध्यम से हम लोग कैसे देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ऐसा रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा चिप लेवल की, एडवांस लेवल की, सर्किट लेवल की आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर और हम लोग टॉपिक के बारे में सीखते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्मार्ट बोर्ड व्यू के बारे में। अच्छा, ये दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि हमारे पास जितने भी सारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो लोग बोर्नियो सिमेटिक के बारे में नॉलेज थोड़ी सी रखते हैं या नहीं रखते हैं, या उसके नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल होगा और वो जानकारी ले पाएंगे और उस जानकारी के माध्यम से मोबाइल फोन को ठीक भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, स्मार्ट बोर्ड व्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, अच्छा उसको आप देखेंगे कैसे, पहली बात तो आप ये देख लीजिए। इसके लिए आपको किसी भी मोबाइल फोन में जाना पड़ेगा, उस मोबाइल फोन के आगे स्मार्ट बोर्ड लिखा होता है, तो स्मार्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे, बोर्ड पीडीएफ खुल जाएगा, उस पीडीएफ को आप देखेंगे, एक इमेज फॉर्म में फाइल होती है। अच्छा, इसको जो बनाया गया है ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर पूरा कलर फॉर्म में पूरा मेन बोर्ड है, बिट मैप की तरह काम करता है, थोड़ा सा पूरा कलर फॉर्म में बोर्ड है। दूसरी बात क्या है, जैसे आपको कोई भी लाइन मिस हो जाती है तो उस लाइन को देखना चाहते हो तो यहाँ पर जाकर के आप लाइन को देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन के अंदर टच का नहीं लगा, मैं टच का कनेक्ट कर लेता हूँ। हम लोगों ने प्लस किया, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन आए, इस मोबाइल फोन के अंदर मान लिया कोई सप्लाई खराब हो गई, कोई सप्लाई क्या हो गई, मिस हो गई। तो मिस हो जाने पर उस सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल सी बात है, ये मान लिया तुम्हारा यूआई का कनेक्टर है, इस यूआई कनेक्टर के अंदर जब आप देखेंगे ये नंबर की पिन उखड़ जाती है। मान लिया तुमने जैक को चेंज किया, जैक चेंज करते समय ये वाली पिन सप्लाई को उखड़ गई, जैसे ही सप्लाई की पिन को उखड़ गई तो आपने देखा यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये खुल जाता है। देखो, पहली बात तो डिटेल लिख जाती है, क्या डिटेल लिख जाती है कि ये वी बस का लाइन है, इन मतलब वी बस मतलब चार्जिंग का लाइन है, चार्जिंग का लाइन यहाँ पर सप्लाई जाएगा, ये सप्लाई यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर होने के बाद फिर आप देखिए कहाँ पर जा रहा है, पूरा लाइन बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा लाइन ये बता रहा है कि भाई यहाँ से सप्लाई होते हुए, इस कंपोनेंट से होते हुए इस आईसी पे जा रहा है, ये आपकी ओवीपी आईसी है। इसके बाद फिर आपने इसके आगे क्लिक करोगे, आगे क्लिक करते हुए बता रहा है यहाँ से सप्लाई होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए चार्जिंग आईसी के पिन पे जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा दोस्तों क्या होता है, इसके पिन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरा खुल जाती है। जैसे मान लिया आप मोबाइल फोन में कोई भी रिपेयरिंग करते हो, रिपेयरिंग करते समय मान लिया आपने गलती से एलसीडी जैक को चेंज किया, एलसीडी जैक चेंज करने से क्या होता है, मान लिया उसका कोई प्रिंट उखड़ गया, कोई प्रिंट क्या होगा, मिस हो गया, आपने जैक को उखाड़ा, जैक को उखाड़ते समय ये वाला प्रिंट मिसिंग हो जाती है, ये दो प्रिंट मिस हो जाते हैं। अच्छा, आपको लाइनें दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लाइन नहीं दिख रही है तो ये दो प्रिंट कहाँ पर जा रहे हैं, किससे कनेक्टिविटी है, या ये सप्लाई का कनेक्शन कहाँ से है, तो वो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से वॉच कर लेते हैं। कैसे वॉच करेंगे, सिर्फ हमको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को लेकर के जाना है, ये माउस पॉइंटर आ गया, इस माउस पॉइंटर को जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए तुरंत बता देगा ये सप्लाई, भाई देखो यहाँ से जुड़ी है,
इस फिल्टर के फिर आगे आ जाएगा, आगे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत बता देगा वो सप्लाई कहाँ पर जुड़ी है। अब वो सप्लाई आपके कहाँ पर जुड़ी है, सीपीयू से इस पिन से जुड़ी है, मतलब आपको बिल्कुल कलर वे में खुल जाएगा और उस कलर वे के माध्यम से एक एक करके जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई आईसी का एक प्रिंट उखड़ गया, मान लिया आपने सीपीयू उतारा, रिबॉल किया, साफ किया और एक प्रिंट आपका मिस हो गया, इस प्रिंट मिस होने पर आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर चेक किया, देखो इसकी सप्लाई इस रजिस्टेंस में जा रही है, रजिस्टेंस के जब आप आगे क्लिक करोगे तो वो सप्लाई बता देगा वो सप्लाई यहां से होने के बाद फिर कहां जा रही है। पहली बात आप ये देखें, इस रेजिस्टेंस से सप्लाई होने के बाद वो सप्लाई आपके एक टिप्स पे जा रही है और इस टिप्स के बाद वो सप्लाई फिर पॉइंट पे आकर के आपके इस टिप्स पे होते हुए आईसी के अंदर, अगर आप रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये सप्लाई उस टिप से होते हुए यहाँ से होते हुए घूम फिर करके यहीं पर आ रही है, लेकिन उस पॉइंट पर जा रही है, जाके आप उस पॉइंट पर जा करके चेक कर सके वो किस चीज़ की सप्लाई है, उसकी डिटेल फिर आप लोग उसमें से सिमेटिक में देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इस बोर्ड व्यू के माध्यम से कोई प्रिंट उखड़ जाता है, कोई सप्लाई मिस हो जाती है, कोई लाइन मिस हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जैसे और भी मैं आपको लाइनों के बारे में दिखाता हूँ, जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन में ये यूआई कनेक्टर है, इस यूआई कनेक्टर में हमने जैसे इसकी लाइन देखा, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है स्पीकर आउट एम, एम का मतलब माइनस, इस पर क्लिक किया स्पीकर आउट पी, पी का मतलब पॉजिटिव, माइनस का ये लाइन है, पॉजिटिव का ये लाइन है, यहाँ सप्लाई आगे जाएगा, आगे आप कॉइल पर क्लिक करेंगे तो कॉइल के बाद सप्लाई चला जाएगा रिंगर आईसी के अंदर। देखिए दोस्तों, तो ये करके सारी पूरी डिटेल आ रही है, तो ऐसे आप मोबाइल फोन में एक एक करके देख सकते हैं। अब जैसे मान लिया हमको मोबाइल फोन में देखना है कि हमारे मोबाइल फोन में जो यहाँ से चार्जिंग आईसी लगी है, इस चार्जिंग आईसी से जो वीपीएच लाइन निकलती है, क्या निकलती है, वीपीएच लाइन निकलती है, इस वीपीएच लाइन यहाँ पर जाएगी, इस कॉइल पर जाएगी, कॉइल के बाद फिर आप आगे, जैसे आप देखिए माउस पॉइंटर बन करके आ रहा है, लेकिन जैसे आप बन के आएगा तो देखना उंगली बन जाएगी, ऐसे बन के आ, उंगली बनने का मतलब वही उंगली करना है तुमको, तो यहाँ पर आ गया, तो आपने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो तुरंत ये बता दिया कि भाई ये सप्लाई इस कैपेसिटर पर जाएगी, इस कैपेसिटर पर जाएगी, इस पर जाएगी, ये तुम्हारा डायोड है, इस पर डायोड से होते हुए फिर आईसी पे आएगी, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पर जाएगी, कहाँ कहाँ पर जाने का मतलब होता है, जैसे आपका पीएफओ पे जाएगी, 4G पीएफओ पे जाएगी, 2G 3G पीएफओ पे जाएगी, उसके बाद फिर इस यूआई कनेक्टर पे जाएगी, ऐसे कर 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 मतलब पूरा आपको डिटेल बता देता है, यहाँ तक कि तुमको ये भी बता रहा, देखो भाई ये तुम्हारी रिंगर आईसी लगी है तो इस कैपेसिटर के माध्यम से रिंगर आईसी के अंदर भी जाएगी, इस वॉल पे भी जाएगी, ऐसे एक एक करके जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से ओपन हो जाती है। जैसे मान लिया बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में देखना है तुमको वी बैट की लाइन है, लिखा ना वी बैट के लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर सप्लाई गोले पे जाएगी, डायोड पे जाएगी, इस पे जाएगी, इस होते हुए आईसी पे जाएगी, आगे क्लिक किया तो ये चार्ज आउट की लाइन है, ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी पे जाएगी। ऐसे आप मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी कनेक्टिविटी होती है वो सारी कनेक्टिविटी को देख सकते हो, जैसे ये सप्लाई को आप वॉच कर पा रहे हैं, ये सप्लाई आपने देखा, ये लाइट आईसी की सप्लाई है, यहाँ से निकलेगा कॉइल पे जाएगा, फिर आगे निकलेगा डायोड पे जाएगा, तो ऐसे कर करके मतलब जो भी मोबाइल फोन के अंदर जो लाइनें हैं, सप्लाई हैं, वो एक एक करके आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड व्यू बोलते हैं। अब जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन में स्पीकर का देखना है, स्पीकर पे आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन आ गया, माउस पॉइंटर पर गए, ये स्पीकर का लाइन है, आपने इस पर क्लिक किया तो तुरंत ही बता दिया भाई ये सप्लाई तुम्हारा यहाँ से होते हुए इस डायोड से होते हुए इस कंपोनेंट ये होते हुए कौन सा सीरीज में लगा है, कौन सा पैरेलल पोजीशन में लगा है, ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं, देखिए खुल गया ना। ऐसे दोस्तों एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो भी लाइनें हैं वो सारी लाइनों के बारे में वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बोर्ड व्यू हमारे लिए बहुत अच्छा पार्ट है कि ये सेम बिट मैप की तरह काम करता है, लेकिन बिट मैप हमारा ब्लैंक फॉर्म में आता है, लेकिन ये कैसा होता है, कलर फॉर्म में होता है और पूरा आपको वैसा ही दिखता है, हू बहू बोर्ड,
तो जो नया आदमी होता है तो नया आदमी के लिए बड़ी परेशानी आती है कि उसको लगता है हमारे पास सेम ऐसा बोर्ड हो, ऐसा ही हमको दिख जाए। तो इस बोर्ड व्यू में हमको बहुत अच्छी हेल्प मिल पाती है। इसमें आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी लाइनों को देखना है, इस ट्रांजिस्टर की सप्लाई कहाँ पर जा रही है, कहाँ से सप्लाई पावर आईसी से निकली, एक एक करके आप कोई भी चीज़ की कैपेसिटर की लाइन देखना है, ये देखिए कैपेसिटर से सप्लाई निकलेगी, फिर कैसे ये आप कॉइल पे देख सकते हो, यहाँ से कॉइल पे मान लिया शॉर्टिंग आ रही है, तो इसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपने देखा ये कॉइल की सप्लाई पावर आईसी पे गई है, फिर आपने जैसे इसके दूसरे साइड क्लिक किया तो फिर ये बता रहा है ये सप्लाई इस कॉइल पे गई है, और कॉइल के साथ साथ वो लाइन कहाँ गई है, सीपीयू के अंदर गई है दोस्तों। कहाँ पर गई हुई है, सीपीयू के अंदर। देखिए तो अगर मान लिया तुम्हारे सीपीयू में शॉर्टिंग हो जाएगी तो भी कॉइल में शॉर्टिंग आएगी, पावर आईसी में हो जाएगी तब भी शॉर्टिंग आएगी, तो इस कॉइल को आप रिमूव कर देंगे, तो कॉइल को रिमूव करने से इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक ये हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो कॉइल हटाने से क्या हो जाएगा, हमारे सीपीयू को सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी शॉर्टिंग पावर आईसी की तरफ है कि हमारी शॉर्टिंग सीपीयू की तरफ है। अगर सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग होती है तो आपको मदरबोर्ड में सीपीयू की लाइन को चेक करना पड़ेगा, या सीपीयू की लाइन में कैपेसिटर भी लगे होते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ पर जा रही है, इस लाइन के बाद में देखो आगे भी जा रही है, आगे कहाँ जा रही है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड में बहुत सारे जो कैपेसिटर हैं इनको भी इंडिकेट कर रखा है कि भाई देखिए कैपेसिटर हैं, ये भी सप्लाई में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कर करके आप बोर्ड के अंदर जितनी भी सारी लाइनें हैं, जो भी सारी कनेक्टिविटी है, सारी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो। जैसे मान लिया आपके पास ये मोबाइल फोन आया, इसमें ऑन ऑफ स्विच का लाइन चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच में आपने देखा ये ग्राउंड है कोई नहीं आ रहा, इस पे आ गया देखो माउस का पॉइंटर बंद कर, देखो इसमें लिखा पावर की, पावर की का मतलब ऑन ऑफ स्विच का लाइन, आपने इसे क्लिक किया तो बता रहा है कि भाई ये लाइन यहाँ पर आई है, टिप्स पे गई है, टिप्स पे होते हुए रजिस्टेंस पे गई है, और ये डायोड लगा हुआ है, रजिस्टेंस के आगे डायोड पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब ग्राउंड है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो ऐसा पॉइंटर बंद करके आ रहा है। तो ये आप एक एक करके आगे की जितनी भी सारी सप्लाई होती है, सारी सप्लाइयों को आप चेक कर सकते हो। अगर ऑन ऑफ स्विच का लाइन खराब हो जाएगा तो नहीं आएगा, तो आप इसके लाइन में डायोड को चेक करेंगे, इसके लाइन में रजिस्टेंस को चेक करेंगे। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए आपका वॉल्यूम अप माइनस, ये वॉल्यूम डाउन, ऐसे एक एक करके जितनी भी सारी लाइनें हैं, सारी लाइनों को आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, और एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और उनके माध्यम से आने वाली मोबाइल फोन में समस्याओं को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिट मैप हमारे लिए जितने नए सारे लोग हैं उनके बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप इस बिट मैप को खोलिए, ऐसे वन बाय करके क्लिक करिए, और सारी सप्लाइयों को देखिए, वॉच करिए, आप जिस लाइन को चेक करना चाहते हैं उस लाइन को इसके माध्यम से फाइंड कर सकते हैं, उसके ट्रैक को फाइंड कर सकते हैं, उसके कनेक्टिविटी को देख सकते हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे के वीडियो में मिलेंगे। तो आज की दोस्तों जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई ट्रैक को हम लोग कैसे चेक करते हैं, और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम लोग कैसे देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड का फीचर क्या है, कैसे उसका यूज किया जाता है, ऐसे मैंने तो इस मोबाइल फ़ोन को दिखाया, ऐसे आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को देख सकते हो। जैसे दोस्तों ये तो मैंने मान लिया रेडमी का मोबाइल फ़ोन को दिखाया, आपके पास ये दूसरा फ़ोन आ जाता है तो आप उस पर क्लिक करिए, इसमें भी ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड का ऑप्शन आता है, आप उसका भी खुल जाएगा, उसका भी बोर्ड भी ओपन करेंगे तो वो भी ऐसे खुल जाएगा। कोई और दूसरा मोबाइल फोन आता है, रेडमी 12C आता है, अच्छा जिसका स्मार्ट बोर्ड नहीं बना हुआ है तो नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जिसका फिलहाल अगर आपका दिया है तो उसका आप देख सकते हैं, जैसे इसका नहीं दिया हुआ है, और भी काफ़ी सारे मोबाइल फोन हैं जिसका होता है या नहीं होता है, तो आप इसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। आप कह सकते हैं बिट मैप का ही छोटा भाई है रेडमी 9A, स्मार्ट बोर्ड व्यू खोला, खुल गया। ये बोर्ड है, ये हमारा पीसीबी का बोर्ड खुल जाता है। इस बोर्ड के अंदर मान लिया जैसे हमको किसी भी लाइन को चेक करना है, जैसे एग्जांपल सी बात है, यहीं आप अगर चार्जिंग का लाइन देखेंगे तो ये आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, जाहिर सी बात है ये आपको दिखाएगा, यहाँ पर देखिए वी बस इन लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, वी बस इन। जब वी बस इन पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए माउस पॉइंटर बन गया, वी बस पे आप क्लिक करेंगे तो बता देगा भाई ये सप्लाई यहाँ पर गई, इस गोले पे जाएगी, गोले के बाद आगे जाएगी, आगे तुम्हारा एक ओवीपी आईसी लगी, क्या लगी है, ओवीपी आईसी।
बता रहा ना, देखिए ये ओवीपी आईसी लगी, ओवीपी आईसी पे जब आप जाएंगे तो आगे आप क्लिक करेंगे तो इसका आगे का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर बता देगा ये सप्लाई यहाँ पर जाएगी, उसके बाद ये आगे दो फ्यूज लगे हैं, फ्यूज से सप्लाई आपकी आगे जाएगी, आप फ्यूज के आगे जब आप माउस पॉइंटर पर क्लिक करेंगे तो वो सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर से होते हुए इस चार्जिंग आईसी के अंदर चली जाएगी, प्लस उसकी लाइन दूसरी और एक जगह पर जा रही है, वो कहाँ जा रही है वो भी आप देख लीजिए। जो दूसरी लाइन है वो तुम्हारी कहाँ पर जा रही है, दूसरी लाइन कहाँ पर जा रही है आप उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस में जा रही है, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा एक डिवाइडर सर्किट बनता है और फिर वो सप्लाई हमारी कहाँ जाती है आईसी के अंदर। ये देखिए तो ये आपके मोबाइल फोन में जो पूरी लाइन एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता है कि मान लिया आपकी आईसी उतारा, आईसी उतारते समय ये प्रिंट उखड़ गया, कोई भी बॉल उखड़ गया तो बता रहा है कि इसका कनेक्टिविटी से रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से आपने क्लिक किया तो बता रहा है ये सप्लाई तुम्हारी कहाँ से आ रही है, जो तुम्हारी आर एफ आई सी पे सप्लाई जा रही है, यहाँ से निकली रेजिस्टेंस के माध्यम से आर एफ आई सी के अंदर चली गई, ऐसे एक एक करके जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड व्यू के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड व्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो दिया है आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं, और अगर इसी लेवल की एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा मोबाइल फोन का हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका आपको बताया जाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।